हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका हमारे चैनल प्रेडिक्शन ड्रीम 11 में। हम इस वीडियो में बात करने वाले जो इंडिया बी और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में क्वाड्रेंगुलर कप का फाइनल मैच खेला जाएगा और हम बनाने वाले ड्रीम 11 की टीम और साथ ही में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और पास में जो बेल आइकन का बटन है आप उसे भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख पाओगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक अपनी तरफ से लाइक ज़रूर से कर देना। तो आइए बात करते हैं ड्रीम 11 के टीम के बारे में। तो यहाँ पे आपके लिए विकेट कीपर सेक्शन के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, ईशान किशन और एलेक्स करी, दोनों ही आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। लेकिन इस मैच में आपके लिए क्रेडिट की बहुत ही ज़्यादा आपको कमी हो सकती है। तो मैंने अपनी टीम में एलेक्स करी को इसीलिए पिक किया क्योंकि इनके जो क्रेडिट है वो ईशान किशन से कम है। अगर आप कहीं से क्रेडिट मेंटेन कर सकते हो तो आप अपनी टीम में ईशान किशन को भी पिक कर सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। बात करते हैं हम बैट्समैन सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे पिक किया उस्मान ख्वाजा को क्योंकि ये भी इस सीरीज़ में एक सेंचुरी लगा चुके हैं। मनीष पांडे इस सीरीज़ में दो सेंचुरी लगा चुके हैं और मयंक अग्रवाल इस सीरीज़ में एक सेंचुरी लगा चुके हैं। तो तीनों ही प्लेयर बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में, इसलिए मैंने अपनी टीम में इन तीनों प्लेयर्स को पिक किया है। अगर आप ड्रीम इलेवन में एक से ज़्यादा टीमें बनाते हो तब भी आप इन तीनों प्लेयर में से किसी प्लेयर को मिस नहीं करना क्योंकि ये तीनों प्लेयर ऐसे हैं जो हर मैच में रन्स बना रहे हैं। और मैंने अपनी टीम में फोर्थ बेस्टमैन को पिक किया मानुस को। मानुस आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए अच्छी चॉइस हो सकती है लेकिन इनके क्रेडिट जो है कम है, तो मैंने अपनी टीम में इसलिए मानुस को पिक किया। ये भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं लेकिन आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन रहने वाला है। ऑप्शंस की बात को तो मेट रेंशो को लास्ट मैच में नहीं खिलाया गया था तो आपके लिए इस मैच के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहने वाले हैं। शुभमान गिल को आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, किसी भी मैच में ये बड़ा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो आप शुभमान गिल को अपनी टीम में पिक कर सकते हो और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। पीटर हैंड्स को भी बहुत अच्छे बल्लेबाज है लेकिन इनका फॉर्म भी इनके साथ नहीं है, लेकिन आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन रहने वाला, इन्हें भी आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो। केदार जाधव का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है। डी आर शॉट, अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो आप अपनी टीम में डी आर शॉट को पिक कर सकते हो और इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। इनके खेलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहने वाले हैं, ये आपको बैटिंग और बॉलिंग में अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन की मैं बात करूँ तो रिकी बॉय को आपको अपनी टीम में पिक नहीं करना है क्योंकि मुझे नहीं लगता फाइनल मैच में इनको मौका दिया जाएगा। हम बात करते हैं वही ऑलराउंडर सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे तीन ऑलराउंडर को पिक किया है। ट्रेविस हेड जो फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे और साथ में हर मैच में बॉलिंग भी कराते हैं तो आपको बैटिंग और बॉलिंग में अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। माइकल लेसर को मैंने अपनी टीम में पिक किया है, ये 5 से 6 राउंड बैटिंग करने आएंगे और साथ में अच्छे खासे बॉलिंग करते हैं तो ये भी आपको बॉलिंग और बैटिंग में अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। दीपक हुड्डा को मैंने अपने थर्ड ऑलराउंडर में पिक किया, ये भी बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। तो इन तीन ऑलराउंडर के साथ मैं अपनी इस टीम में खेलने वाला हूँ। एस्टन एगर आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है और बहुत ही अच्छे ये ऑलराउंडर है, ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग में अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। अगर आप ड्रीम 11 में एक से ज़्यादा टीमें बनाते हो तो आप अपने टीम में एस्टन एगर को जरूर से पिक करना, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। सक्सेना भी आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है तो आप अपनी टीम में सक्सेना को भी पिक कर सकते हो। बाकी आपको जयंत यादव को पिक नहीं करना, ये अवेलेबल नहीं है इस मैच के लिए। तो आप इन 5 ऑलराउंडर में से किसी भी ऑलराउंडर को अपनी टीम में पिक कर सकते हो, मुझे उम्मीद है आपका कोई भी प्लेयर मिस नहीं होगा। हम बात करते हैं वहीं बॉलिंग सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे पिक किया जैक वाइडर अहमद को जिन्होंने लास्ट मैच में बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी, तो ये आपको बैटिंग और बॉलिंग में अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। सुरेश गोपाल और प्राशित कृष्णा, तो इन दो बॉलर्स को मैंने अपने टीम में पिक किया है। तो टोटल मैंने अपने टीम में 3 बॉलर्स को पिक किया। ऑप्शंस की बात करो तो बिली स्टेन एक आपके लिए ऑप्शन है लेकिन इस मैच के लिए रिस्की हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे ये बॉलर हैं। सिद्धार्थ कौल आपके लिए इस मैच के लिए डाउटफुल हो सकते हैं तो आप ग्रैंड लीग में सिद्धार्थ कौल को पिक कर सकते हो। जाय रिचर्डसन आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, इन्हें आप अपनी टीम में जरूर से पिक करना, बहुत ही अच्छे बॉलर है, किसी भी मैच में ये 3-4 विकेट्स ले सकते हैं। मिचेल स्वेप्सन आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, अगर मिचेल स्वेप्सन की बैटिंग आती है तो ये साथ में अच्छी खासी बैटिंग भी कर सकते हैं, तो आपको बैटिंग और बॉलिंग में अच्छे खासे ये पॉइंट दिला सकते हैं। और ऑप्शन की बात करूँ तो नवदीप सैनी को मौका मिल सकता है सिद्धार्थ कौल की जगह, तो सिद्धार्थ कौल और नवदीप सैनी इन दोनों में से कोई इस मैच में एक खेल सकता है। तो अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तब आप इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो। बाकी ऑप्शन की बात करूँ तो खेजौरिया का आपके लिए क्या ऑप्शन है लेकिन मुझे लगता है ये आपके लिए सेफ ऑप्शन नहीं रहने वाला है। और बाकी इन तीनों बॉलर्स को आपको अपनी टीम में पिक नहीं करना है, बाकी अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो बात अलग है। तो हम करते हैं अपनी टीम को नेक्स्ट और बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में। तो मनीष पांडे को मैंने अपनी टीम में कैप्टन इसलिए बनाया क्योंकि बहुत ही अच्छे फॉर्म में, 2 सेंचुरी भी लगा चुके हैं, हर मैच में अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हैं, तो मैंने अपनी टीम में इसलिए मनीष पांडे को कैप्टन रखा। और वाइस कैप्टन मैंने बनाया ट्रेविस हेड को, फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आते हैं और साथ में अच्छी खासी बॉलिंग कराते हैं, तो ये आपको बैटिंग और बॉलिंग में अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। तो हम करते हैं अपनी टीम को सेव और बात करते हैं फाइनल प्रीव्यू की। तो यही मेरे ड्रीम 11 में हर लीग का फाइनल प्रीव्यू रहने वाला है। अगर आप इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करना चाहते हो तो आप उस्मान ख्वाजा को भी कैप्टन बना सकते हो, ये भी आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है, या आप यहाँ पे मयंक अग्रवाल को भी कैप्टन बना सकते हो।
वाइस कैप्टन की बात करूँ तो माइकल नेसर या दीपक हुड्डा, इन दोनों में से किसी को आप वाइस कैप्टन बना सकते हो या अपने टीम में एलेक्स कैरी को भी वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप खुद से भी टीम बना सकते हो। अगर आप इस टीम के साथ खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, बाकी अगर आप चाहते हो तो आप इस टीम में भी एक दो चेंज कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप अपने हिसाब से इस टीम में चेंज करके खुद से भी एक बेटर टीम बना के अच्छा विन आप कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर भाई आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को अपने तरफ से एक लाइक जरूर से कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, एकदम फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और बेल आइकन को आप प्रेस कर दोगे तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। और एक बार मैच से पहले भी आप कमेंट सेक्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना ताकि कोई भी न्यूज आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।